हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नेचर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया तो उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा पढ़ाई करने में और मजा आ रहा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ने में और काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी उम्मीद कर रहा हूं मैं ओके तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेक्चर नंबर सिक्स और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का सारे लेक्चर हमने इसके कवर कर लिए सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर के चैप्टर नंबर जो फाइव हमारे पास आज की जो हैडिंग हमारे है पास बच्चों एंटी डिप्रेसेंट क्या हैडिंग है है का नाम है? एंटी डिप्रेसेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कोर्स तो में तो है ही और बच्चों ये डिप्रेशन शब्द ना आजकल एक आम हो गया है हमको तुमको हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन सता रहा है ठीक है तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेंगे Uh, कुछ बातें जनरल बातें भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है और किन किन बातों से हमें बचना चाहिए और क्या करना चाहिए कि डिप्रेशन ना हो बहुत से लोग मोटिवेशनल था वगैरह सुनते रहते हैं है ना हम दवाइया खाएंगे दवाई खा के अपने आप को मोटिवेट नहीं करना है दवाइयां उस समय खाई जाती हैं अगर कोई दिक्कत हो जाए फिलहाल ये सारी वो दवाइयां हैं कि अगर किसी वजह से कोई इंसान डिप्रेशन मोड में चला जाए डिप्रेशन मोड बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जो गया है डिप्रेशन में वही उसको समझ सकता है दूसरा इंसान उसको फील भी नहीं कर सकता है डिप्रेशन का रियल मीनिंग क्या है सिर्फ हम सुन सकते हैं कि हाँ डिप्रेस है वो जो इंसान फील करता है ना वो वही समझ सकता है है ना उस डिप्रेशन में आदमी कई बार सुसाइड तक सोच लेता है तो बिल्कुल नहीं सोचना उस बारे में आओ स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे तो एंटी डिप्रेशन सब माइंड नर्सरिंग पॉइंट्स ये जो माइंड नर्चरिंग पॉइंट्स हैं ये नो डाउट स्टार्टिंग में जनरल बातें हैं जो सिलेबस में एक तरह कह सकते हैं ना के बराबर है लेकिन

तुम लोग बच्चों अगर इसको सेंस करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट सोचो जब तुमको डर लगा हो कभी ना एग्जाम में नंबर कम आए हो या अंधेरे से कभी छोटे में डर गए हो या कोई और वजह हो कोई नुकसान कर दिया और तुम्हें डर लगा हो कि पापा आगे मारेंगे मतलब कोई एक ऐसा डर तुम्हें जो दो चार मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा तंग किया हो जिसने ऐसे घबरा गए हो कि बस अब गए और बस इमेजिन करो कि वो जो तुम्हारे पास एक मिनट के लिए डर था वही डर अब दिन भर है तुम्हारे साथ लगातार नॉन स्टॉप क्या हालत होगी तुम्हारी है ना तो ना हो किसी के साथ ऐसा लेकिन जिनके साथ ये होता है वो डर लगातार उनके दिमाग में बैठा हुआ है वो लोग कैसी जिंदगी जीते होंगे तो घबराहट होती है हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी ठीक है ना कुछ लोगों को कई चीजों से कुछ कई बार कुछ चीजें होती हैं किसी एक चीज पर उनका कंट्रोल नहीं रहता एक चीज पर कंट्रोल है ही नहीं ये एक मानसिक स्थिति है, है ना हमारी मानसिक स्थिति होती है किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है घबराहट हो रही है आप खुद को हेल्पलेस बेबस महसूस करने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता मैं अपनी मदद कर ही नहीं सकता ना मेरी कोई मदद कर सकता है इसको कहते हैं एनजाइटी बात समझना अभी तो डिप्रेशन पर आए नहीं ठीक है देखो जब आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो बेबस महसूस कर रहे हो तो चिंता आ गई लेकिन जब आप होपलेस महसूस करते हो कि अब उम्मीद ही नहीं है क्या है होप आशा उम्मीद ही नहीं है कि अब कुछ होगा ठीक है ना करने लगते हैं यानी कि आप अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठते हैं कि मेरे भविष्य में कुछ हो सकता है तो इस मनोस्थिति को ऐसी मन की स्थिति होती है डिप्रेशन कहते हैं अब ये होपलेस वाली कंडीशन बच्चों कब आती है कि मैंने फिर बताया एक ऐसी सिचुएशन सोचो जिसमें आप डर गए हो कि यार अब कुछ नहीं हो सकता अब तो गए अब मार पड़ेगी अब कुछ ऐसा हो जाएगा आज डांट खानी है ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया अब गए ठीक है ना वो जो स्थिति है वो लगातार घंटों बनी हुई है दिनों दिन बनी हुई है उसको कहा जाता है क्या डिप्रेशन अगर उसको आप महसूस करना चाहते हो तो वो डिप्रेशन है बहुत ही गंदी चीज है डिप्रेशन और आजकल हर दूसरे इंसान में डिप्रेशन है थोड़ा बहुत है ठीक है कॉज ऑफ डिप्रेशन की बात करें क्या कारण है तो एब्यूज एब्यूज को हम लोग कह सकते हैं शोषण कुछ लोगों का शोषण होता है कुछ लोग जैसे कि ऑफिस में हैं लगातार गालियां खा रहे हैं कि तुम काम नहीं कर सकते तुम काम नहीं कर सकते तुम काम नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर आजकल एब्यूजिंग हो रही है देखो फलाने का बच्चा ऐसा कर रहा है फलाने का लड़की ऐसी कर रही है तुम कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं हो दी एब्यूज है ये एब्यूज मतलब शोषण एब्यूज गाली भी होती है एब्यूज मतलब शोषण अच्छा शोषण कई तरीके से फिजिकल हो सकता है फिजिकल मतलब समझ सकते हो कोई मारा तोड़ी कि इसको बहुत ज़्यादा रोज आए दिन कोई मार देता है है ना मार पड़ी जा रही है सेक्सुअल हो सकता है ठीक है इमोशनल एब्यूज हो सकता है कोई किसी को धोखा दे रहा है है ना किसी से उम्मीद है धोखा देना ये नहीं कि लड़का लड़की को धोखा दे रहा है धोखा देने का इन है किसी को अपने भाई से या माँ बाप से उम्मीद है लेकिन एंड टाइम पर वो किसके काम नहीं आ पा रहे हैं तो ये इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है ये ठीक है ना कैन मेक यू मोर वेबल वेबल मतलब जिसको आसानी से डैमेज किया सके तो आसानी से आप क्या हो जाओगे डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे लेटर इन लाइफ लाइफ में बाद में अभी तो आप धीरे धीरे झेल रहे हो झेल रहे हो आपके दिमाग में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा रहे, रहे एक टाइम आएगा कि आप टूट जाओगे ठीक है दूसरा बोल रहा है एज ऑब इसी बात है बच्चों एज का तो फर्क पड़ता ही है पीपल हु आर एल्डरली जो बड़े बूढ़े हैं आर एट हायर रिस्क ऑफ डिप्रेशन डेट कैन बी है ना जो बड़े बूढ़े हैं उन या जो 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 एजेड हैं उनको डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो जाता है डेट कैन बी मेड वर्स बाय अदर फैक्टर कुछ और ही फैक्टर है जो वर्स हो सकते हैं वर्स मतलब समझ रहे हो और भी ज्यादा गंदे हो जाएंगे मतलब कोई चीज खराब बद से बदतर हो जाए इज कॉल्ड डॉर्स बाय अदर फैक्टर्स सच एस लिविंग अलोन बूढ़े माँ बाप बेचारे रहना चाहते हैं बच्चों के साथ बच्चों ने कहा जाओ आप लोग अकेले रहो हम अपने परिवार के साथ रहेंगे या आप उनका जो बच्चे लोग होते हैं बूढ़े माँ बाप अकेले छोड़ देते हैं ठीक है अकेले रह रहे हैं एंड हैविंग लैक ऑफ सोशल ग्रुप अब आप बूढ़े भी हो गए हो चलो मान लिये बच्चों ने छोड़ दिया लेकिन अब आप ऐसे सैडनेस में हो कि आपको भी आसपास कांटेक्ट में भी नहीं है जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में है फ्लैट में रह रहे हैं लोग एक फ्लैट में बीस लोग हैं लेकिन बगल वाला बगल वाले को नहीं जानता कि कौन है सोशल सपोर्ट भी नहीं है ठीक है अकेले छोड़ दिए तो एल्डरली पीपल एज का एक फैक्टर रहता है एब्यूज एब्यूज तो किसी भी एज में हो सकता है ठीक है ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार उनका शोषण हो जाता है तो ये किसी भी एज में हो सकता है सर्टन मेडिकेशन कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होती है उनका साइड इफेक्ट के तौर पर सम ड्रग्स आइसो आइसोटिन ठीक है ना यूज टू ट्रीट एक्ने ये जो एक्टिनोन है ये आजकल एक्ने एक्ने मतलब पिंपल मुहासे लिख लो जो मुहासे होते हैं ना उनके इस्तेमाल के लिए होती है ठीक है एक आ गया आइसोटिन दूसरा है द एंटीवायरल ड्रग्स ठीक है इंटरफेरॉन अल्फा ये एक ऐसा ड्रग है जो वायरस को मारने के लिए इस्तेमाल होता है कोटिको स्टीरोयड एक स्टीरॉयड्स होते हैं कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डिप्रेशन ये तीन तरह की ड्रग्स हैं जो आपके डिप्रेशन को इन्हेंस कर सकती हैं क्यों इन्हेंस कर सकती हैं देखो मैं फिर बता मैं हमारे दिमाग में एक केमिकल होते हैं जो हम लोग जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना वो केमिकल बहुत ज़्यादा निकलते हैं हमारे शरीर में अगर वो केमिकल्स की ही कमी हो गई वो हर समय एक फिक्स लेवल पर हमारी बॉडी में रहते हैं जिससे कि हम लोग डिप्रेस ना हो जाए अगर उस लेवल से वो नीचे गिर जाएं,

झगड़े हो रहे हैं किसी से भी हो सकता है मैंने नहीं कह रहा सबसे हो रहे हैं किसी एक से हो सकता है ठीक है आप नहीं चाहते झगड़े हो लेकिन झगड़े हो रहे हैं आप उसको मेंटली टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ना तो या दोस्त कोई दोस्त आपको बहुत अच्छा है और आप उसको मतलब बहुत ज्यादा लाइक करते हैं लेकिन वो उसका झगड़ा हो गया अब आप उसको क्या कर पा रहे हैं दिक्कत आ रही है आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा सोच रहे हैं झगड़ा हो गया झगड़ा हो गया झगड़ा हो गया ठीक है ना ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी सोच पर आ जाती हैं और जब हम सोचने लगते हैं नेगेटिव और सैड तभी ये सारी घटना घटना स्टार्ट होती हैं डेथ और ए लॉस किसी बहुत ही ज्यादा हमारे चाहने वाले की डेथ हो जाए या कुछ ऐसी चीज का नुकसान हो जाए जो हमारी बहुत ही करीब थी कई करी बार कुछ चीजें होती हैं जैसे कि हम किसी चीज से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है कुत्ता बिल्ली ठीक है ना सैडनेस और ग्रीफ ग्रीफ मतलब दुख आफ्टर अ डेथ और लॉस ऑफ ए लवन जिससे हम प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाए दो नेचुरल भले ही वो नेचुरल हो भले हमें पता है कि हाँ भाई होता है करके कि आज मेरे पे क्या कहते हैं कुछ लोग जिनके है ना ओल्ड एज पीपल हैं कुछ बच्चे अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं अब दादा दादी की एज हो गई है हंड्रेड है ना बहुत बुढ़े हो गए और नेचुरल डेथ हो गई है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनकी डेथ हो गई करके ये इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ डिप्रेशन को तो देख रहे हो ना कितने सारे फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं और मैं बच्चों एक बात कहूँगा ये सारे फैक्टर नोट करना आप लोगों को डिप्रेशन नहीं है बहुत अच्छी बात है अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसको अवॉइड करें और उससे बचने की कोशिश करें ये अपने आसपास किसी आपके चाहने वाले है ना छोटे भाई बहन है कि नहीं के अंदर तो ऐसे कोई फैक्टर दिखाई पड़ते हैं तो ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं जेंडर जेंडर की बात करें तो वुमेन्स आर अबाउट ट्वाइस एज लाइकली एज मैन औरतों के अंदर तो दुगनी होती है डिप्रेस होने की कंडीशन औरतें जल्दी डिप्रेस हो जाती हैं बहुत सारे कारण हैं देखो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि औरतों का जब जब से संविधान लागू नहीं हुआ था जब से कानून व्यवस्था लागू नहीं हुई थी उससे पहले औरतों का शोषण ही था उनको कोई अधिकार वगैरह नहीं थे इस घर में रहना शादियों को दूसरे घर में जाना दिन भर घर पर ही रहना तो वो क्या डिप्रेशन का शिकार आज भी काफी हद तक है बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसलिए एक तो ये कंडीशन है दूसरा जो वुमेन्स होती है ना मैंसुर साइकिल होती है है ना मैंसुर साइकिल तो उस दौरान बॉडी में हार्मोन्स लेवल जो होते हैं बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं वो जो हारमोन्स लेवल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं उस वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन के लिए ठीक है नो वन श्योर वाई लोग कहते हैं कि एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन कारण यही दिए जाते हैं वो कह रहे हैं हार्मोनल चेंजेस जो हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे हैं डेट वुमेन गो थ्रू एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ जो उनके लाइफ में अलग अलग समय पे आते हैं हार्मोन्स के है ना कई साइड एक तो जिस समय मैं स्टार्ट होते हैं हर मंथ मैंसोरेशन होते हैं फिर 45 की एज तक जाते जाते हैं बंद होते हैं तो हार्मोन्स लेवल कई लेवल पे इनमें बॉडी में चेंज होते हैं वुमेन्स के अंदर जीन्स कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन के जीन्स होते हैं एक नहीं होते कई सारे होते हैं वो छोटे छोटे अपने फैक्टर स्टार्ट करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पता हो कि हाँ दादा परदादा सब लोगों को डिप्रेशन था और वो डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ हुई थी ऐसे में उनके जो बच्चे के बच्चे उनका रिस्क हो बढ़ जाता है कि उनको डिप्रेशन हो कुछ अदर पर्सन प्रॉब्लम प्रॉब्लम सच सचे सोशल आइसोलेशन अब मान लो कटे हुए हो सब समाज से ठीक है ड्यू टू अदर मेंटल इलनेस या किसी और टाइप की मेंटल इलनेस है ठीक है ना दिमागी तौर से आप बीमार हो थोड़ा सा और बींग कास्ट आउट या कई बार आपका बहिष्कार कर दिया जाता है है ना कि जाओ बाहर निकल जाओ नहीं रहना इस घर में ठीक है ना ऑफ अ फैमिली और सोशल ग्रुप आपको सोशल ग्रुप से और फैमिली से बहिष्कार कर दिया जाए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो ठीक है आगे देखें और क्या है फिर बोल रहा है सीरियस इलनेस आप कुछ खतरनाक बीमारियां है ना कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बीमार हो गए हैं महीने दो महीने तीन महीने बीमारी में हो और आप बस सोचने लगते हो यार अब लाइफ खत्म हो गई है ना मैं कमा पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप फिर धीरे धीरे क्या होता है डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं तो ये है सीरियस इलनेस बीमार हो आप समाइम डिप्रेशन विद अ मेजर इलनेस कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है उसके साथ डिप्रेशन अपने आप आ जाता है ठीक है तो ये सारे जो ऊपर हमने पढ़े वो क्या थे सारे डिप्रेशन uh, के कारण अब देखते हैं सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है तो सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें बच्चों तो डिप्रेशन कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स वो कई सारे रूप में है तो डिप्रेशन का कोई एक रूप नहीं है कि आप दुखी हो ये एक डिप्रेशन में सोचने वाली बात है अभी देखोगे मैं दिखाऊंगा मैं अभी केवल आप बात नहीं कर रहे किसी से आप दुखी हो यही डिप्रेशन नहीं है डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं ठीक है थीके? कह रहा है समटाइम्स साइंस डेट इंडिकेट डिप्रेशन आर मतलब होता है स्पष्ट कई बार तो जो डिप्रेशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं वो स्पष्ट है कि हाँ डिप्रेशन है Such as, क्या कौन कौन से जो हमको दिख जाते हैं सैडनेस दुखी है इंसान होपलेस हो गया है मतलब उम्मीद खो रहा है ठीक है एम्पटीनेस उसकी लाइफ में खाली पन है खाली खाली सा है ये सारे लक्षण तो दिख जाते हैं कि हाँ बंदा डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है या डिप्रेशन डिप्रेस हो रहा है बट Tired, बहुत थकी कोई मतलब ही नहीं पा रहे हो रहे यार क्या करना क्या नहीं कर रहा आप समझ नहीं पा रहे होकान बहुत ज्यादा है सो, सोचने, में सम, सोचने समझने में दिक्कत आ रही है ठीक है

पहले हम जिस चीज को इन्जॉय करते थे ना दोस्तों के साथ बैठना या टहलने को मजा मतलब मतलब चलो ठीक है जैसे मैं हूं मे को टहलने वाला अच्छा लगता तो मैं अकेले टहलने निकल जाता हूँ कई बार उसको मजा मतलब इन्जॉय एंजॉय करता हूँ उस चीज को टहलने में या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती, होती है हॉबीज होती हैं जिनको आप खेलने में आपको क्या था इंटरेस्ट था सेक्स हो सकता है गोइंग आउट विद अवर फ्रेंड्स हो सकता है लेकिन अब हुआ क्या धीरे धीरे ये जो पहले जिन चीजों में आप इंजॉय करते थे वो सारी चीजों में अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया मन ही नहीं कर रहा एक्सपीरियंसिंग इन अब रातों को नींद भी नहीं आती देखो ये सारे लक्षण है।, है ना अच्छा ये लक्षण अगर कभी कभार ज्यादा जदा कर तो अलग बात है लेकिन लगातार बने हुए हैं अगर तो दिक्कत वाली बात है हाँ कभी कभी होता है कभी कभी रात को नींद नहीं आती है कभी कभी होता है कि यार खेलने का मन नहीं है तो तो डिप्रेशन नहीं है खेलने का मन कर ही नहीं रहा दो चार छह महीने हो गए हैं नींद आती नहीं है दो दो तीन तीन महीने हो रहे हैं तो दिक्कत है ध्यान रखना सोने में दिक्कत होती है इवन स्लीपिंग टू मच या इसका उल्टा हो सकता है नींद बहुत आ रही है सोई चले जा रहे हैं सोई चले जा रहे हैं सोई चले जा रहे हैं ठीक है ना हैविंग लिटिल और नो एनर्जी फॉर स्मॉल टास्क छोटे छोटे टास्क दे दिए अब उसमें लगता है कि एनर्जी खत्म होगी बिल्कुल एनर्जी नहीं है क्रोनिक फटीक ऐसा लगता है कि जाने कितना थक गए हैं थोड़ा सा दो कदम जीना चढ़ लिए उसके बाद लग रहा है बहुत ज्यादा थक गए हैं है ना फटीक फटीक मतलब थकान ठीक है ना तो हैविंग लिटिल और नो एनर्जी कोई एनर्जी ना होना स्मॉल टास्क टास्क मतलब काम और क्रोनिक फटीक ना बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस करना फीलिंग एनेक्जियस चिंतामय होना एजिटेटेड हाइपर हो जाना खालीपन रेस्टलेस बेचैनी सी रहना तो ये अगर लक्षण लगातार बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन है कि हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हो या कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बात समझ में आ रही है क्लियर है ठीक है अब देखते हैं हम लोग आगे क्या हमारे पास फिर कह रहा है एक्सपीरियंसिंग अनएक्सप्लेन फिजिकल पेन लाइक हैड एक बिना वजह अच्छा का सो के उठे फ्रेश थे सुबह नहाए धोए सर में दर्द चालू हो गया बिना वजह क्रैम्प्स अकड़ रहे हैं अकड़न सी आ रही है ना जो 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 शब्द बोलते जा रहा उसके बाद जो समझाते वही उसका मीनिंग है ठीक है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बिना वजह पेट खराब हो रहा है ठीक है पाचन क्रिया सही नहीं हो पा रही है और बैक पेन या कमर में दर्द है अच्छा ये फिर बता रहा हूँ मैं ऐसा नहीं है कि एक या दो बार हो रहा है लगातार होता रहे अगर ठीक है थिंकिंग अबाउट दैट आप मौत के बारे में सोच रहे हैं सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं लगातार नॉन स्टॉप सोच रहे हैं कि यार, क्या करें, मर जाएं क्या करें ओवर पास्ट, पास्ट में आपका आप किस फेल हो हैं। लगातार उसको सोच रहे हैं एंड फीलिंग गिल्टी गिल्ट कर रहे हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए तो पढ़ लेता पास हो जाता ये हो जाता ठीक है सेंस ऑफ सेल्फ हेटरेट खुद से नफरत Hatred मतलब नफरत मतलब खुद, खुद सेल्फ है। है मतलब उसका उल्टा भूख बहुत ज्यादा लग रही है और वेट आप गेन कर रहे हैं तो देखो ये सारे कुछ लक्षण ऐसे है जो समझ में नहीं आते डिप्रेशन लेकिन अगर ये लंबे समय तक चले अगर तो कहीं ना कहीं मान लो कि डिप्रेशन इसीलिए डिस्कस हो रहा टॉपिक ये ये सब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बाकी जो मेन टॉपिक है ना दो मिनट में ऐसे खत्म हो जाएंगे टॉपिक ये समझना है आप लोगों को देखो यही सब चीजों के लिए फिर आप जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर आप मोटिवेशनल वीडियो सुनने लगते हैं अरे यार मोटिवेट हो जाए अरे यही सारी चीजें हैं खुद आप मोटिवेट रहो कि अच्छा ये लक्षण है हमको ये काम नहीं करना है क्लियर है अब बच्चों में भी देखो इसके लक्षण बड़े अजीब होते हैं देखो बच्चों में भी डिप्रेशन देखने को मिलता है हम लोग सोचते हैं बच्चों का क्या टेंशन है ठीक है चिल्ड्रन टीन एजर एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन टेन टू तो शो साइन डेट इंक्लूड चिल्ड्रन या बच्चों में क्या क्या साइन हो सकता है बच्चा हर समय चिंतामय रहता है चिंता करता रहता है कंप्लेनिंग अबाउट अनएक्सप्लेन एच एकेस एक्ष्ट। मतलब दर्द एंड पेन ठीक है ना एक बिना वजह दर्द हो रहा है ठीक है एच एस मतलब एठन वगैरह है और पेन है बिना वजह रिफ्यूजिंग स्कूल नहीं जाना चाह रहा रिफ्यूज कर रहा मना कर रहा है फीलिंग मिस अंडरस्टूड एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव समझ नहीं पा रहा चीजों को और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम हाइपर या कुछ चीज़ हो रहा है परफॉर्मिंग पुअरली इन स्कूल पहले बड़ा अच्छा कर रहा था अचानक से बेकार हो गया स्कूल में काम नहीं मतलब पढ़ पढ़ नहीं पा रहा है है हो हो सकता ड्रग्स लेने लगा हो या अल्कोहल लेने लगा हो है ना टीन हो गया चौदह पंद्रह साल का बच्चा है अचानक से ड्रग्स लेने लगा है या अल्कोहल लेने लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है अवॉइडिंग सोशल इंट्रैक्शन सामाजिक जो था पहले बच्चा अब वो नहीं रहा लोगों से बात नहीं करता अब टॅप्टिंग सेल्फ हार्म या बच्चे ने कभी खुद को हार्म नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो ईटिंग एंड स्लीपिंग टू मच बहुत ज्यादा खा रहा हो या बहुत ज्यादा सो रहा हो तो ये सारे लक्षण बच्चों बच्चों के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो देख रहे हो ना आ, डिप्रेशन बड़ा ही खतरनाक चीज है ठीक है इसीलिए थोड़ा सा इसका ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिटेलिंग ली है ठीक है बात समझ में आ रही होगी क्लियर है ओके आगे देखते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है अगर कभी आपको ऐसा लगे ठीक है तो ये देखो जो ये प्रिवेंशन में बताऊंगा ना बच्चों आपको तो बहुत से लोग देख, तुम लोग देखोगे ये सारी बातें जो बताई बता रहा हूं मैं इसमें ये तुम लोगों को जितने मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उसमें बताते होंगे ये मत करो एक्सरसाइज करो ये करो लोगों से मिलो जुलो है ना ये सारी बातें बताते होंगे ठीक है वही सारी बातें प्रिवेंशन है किसका डिप्रेशन का पहला एक्सरसाइज रेगुलरली हमको लगातार एक्सरसाइज करते रहना चाहिए क्या होता है एक्सरसाइज करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है पता है जब हम बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह कर लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है जो कामिंग इफेक्ट है काम मतलब शांत करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो टेम्परेचर बढ़ता है हमारे उसके दिमाग का बॉडी का तो वो टेम्परेचर सी को क्या करता है शांत कर देता है एक केमिकल है जिसको रिलीज करता है बूस्ट मूड मूड हमारे mood को अच्छा करता है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो केमिकल एंडोफोरिन रिलीज होता है हमारे मूड को अच्छा करता है अगर हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम लोग अब अच्छा सोचेंगे ठीक है ना तो देख रहे एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है पंद्रह मिनट करो रोज करो ठीक है ना इट रिड्यूसिस इम्यून सिस्टम केमिकल्स दैट मे वॉर्सन डिप्रेशन ठीक है ठीक है ये क्या कह रहा है इट रिड्यूसिस इम्यून सिस्टम केमिकल्स ठीक है ये लाइन थोड़ी सी हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है एक्चुअली है क्या ये आ, कुछ इम्यून सिस्टम के केमिकल्स की बात कर रहा है जो कि हमारे डिप्रेशन को और भी ज्यादा और भी ज्यादा क्या करता है वर्सन बद से बदतर कर सकता है उसको क्या कर सकता है रिड्यूस कर देता है ना क्या कर रहा है ये रिड्यूस करता है तो ऐसे केमिकल्स को रिड्यूस करता है जो हमारे डिप्रेशन को और भी ज्यादा बद से बदतर कर देते हैं ओके कट बैक ऑन सोशल मीडिया टाइम कट बैक सोशल मीडिया पर टाइम काटो देखो आजकल बच्चों क्या हो रहा है बताऊं आप पढ़ाई करिए आपने आपने चलो तो पंद्रह मिनट रेस्ट लेते हैं अब रेस्ट कहा लिया आपने खटाक से खोल लिया मोबाइल यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप ठीक है ना तो आपने अपना को रिलैक्स तो किया ही नहीं आपकी आंखें पहले भी इतनी दूर का पड़ रही थी फिर इतना दूर का देख रही करके तो सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा सा रोको या आप घंटों घंटों सोशल मीडिया पर रहते हैं उससे अपने आप को हटाओ और नेचुरली लोगों से मिलो और टहलो फिरो ठीक है ना तो वो चाहिए कट बैक ऑन सोशल मीडिया टाइम अगर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हो तो उसको आपको रोकना है क्या कह रहा है डिलीटिंग ऑल सोशल ऐप ऑल सोशल ऐप को डिलीट कर दो फ्रॉम योर फोन अगर आपको लगता है कि ज्यादा दिक्कतें हो रही है सारे आप डिलीट कर दो में बाढ़ दुनिया यूजिंग वेबसाइट ब्लॉकिंग एक्सटेंशन डेट ओनली लेट यू यूज सर्टन साइट फॉर अ प्रीसेट अमाउंट ऑफ टाइम कुछ वेबसाइट ब्लॉकिंग एक्सटेंशन आते हैं जो आपको क्या करेंगे आपके साइट्स के ऊपर लग जाती हैं तो वो आप साइट खुलेंगी नहीं आपके ठीक है ना या आपको जब दिखाएंगे तो कुछ समय के लिए वो साइट चलती है और फिर ब्लॉक हो जाएंगी ओनली गोइंग टू सोशल मीडिया विथ पर्पज अगर कोई काम है कोई मैसेज वगैरह आना है ठीक है तो तो जाओ अदरवाइज अवॉइडिंग लॉगिंग ऑन सेवरल टाइम्स हम लोग दिन भर में क्या करते हैं खोला, किया, इन किया, अंदर किया, देखा, फिर बिल्ड स्ट्रॉनशिप रिलेशनशिप का मतलब आप sure अब अब दोस्तों से मिल नहीं रहे हो बस मोबाइल पे हेलो हाई है, घर से कदम बाहर निकाल नहीं रहे हो गलत बात ठीक है ना कह रहा है रेगुलर उनसे मिलो एंड फैमिली से मिलो है ना कमरे के अंदर घुस के मत बैठो इवन वेन यू लिव्स यू बिजी अगर तुम्हारी लाइफ बिजी है तब भी जाकर उनसे मिलो अटेंडिंग सोशल इवेंट वेन यू एन यू कैन एंड फाइंडिंग न्यू हॉबीज अटेंड करो सोशल इवेंट शादी ब्याह को अटेंड करो जब अगर कर सकते हो तो फाइंडिंग न्यू हॉबीज नई नई चीजों को सीखो डैट कूड हेल्प यू मीट न्यू पीपल इससे क्या होगा जब सोशल इवेंट को अटेंड करोगे नई हॉबीज करोगे तो नए नो से मिलोगे जो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प करेगी लोगों से बात करोगे तो ऑबियस ही बात है आपका डिप्रेशन क्या हो जाएगा कम होगा ठीक है रिड्यूस स्ट्रेस क्या कर सकते हो स्ट्रेस को रिड्यूस करो अवॉइड ओवर कमिटिंग टू थिंग्स हम लोग कई बार क्या करते हैं यार आज शाम तक मैं चार चैप्टर पढ़ लूंगा कमिट तो कर दिया आपने पढ़ने बैठे दोपहर हुई खाना खाए सो गए शाम हुई थोड़ा बहुत घूमा फिरा फिर सो गए अब पता चला शाम तक सिर्फ दो ही चैप्टर हो पाए क्योंकि तो लोग बच्चों तो बच्चों के साथ बता रहा हूँ मैं ये चीज दो चैप्टर अब स्ट्रेस आ गया यार मैं तो सोचा था आज पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया सोच रहे हो उस चीज को यार यार मैं तो कम कर ही नहीं पाता मैं मैं पढ़ ही नहीं पाता मैं सोचने लग गया तो ये ओवर कमिटिंग बंद कर दो ठीक है आज पढ़ाई की रोज पढ़ो भले थोड़ा कम पढ़ पाओ उससे मतलब नहीं मतलब ये मत कहूँ कि आज इतना ही पढ़ लूंगा मतलब आज दस चैप्टर खत्म कर दूंगा ऐसे नहीं पढ़ो रोज जितना पढ़ पाओ अपनी क्षमता के अनुसार प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन मेडिटेशन वगैरह करो ठीक है लर्न टू लेट थिंग्स गो डेट यू कांट कंट्रोल ऐसी चीज़ों को जान दो जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है ना कोई चीज़ है जिसको तुम कर नहीं पाते हो ठीक है नहीं कर पा रहा कोई मैं कुछ और कर लेता हूँ वो कुछ और कर लेता है मैं बायो पढ़ लेता हूँ वो मैथ पढ़ लेता है है ना अब ये थोड़ा ना कि मैथ वाला बायो पढ़े बायो वाला मैथ पढ़े जाने दो उस चीज़ को ठीक है ना उसको कोई भाव नुकसान नहीं मतलब चीज़ें जो कुछ तुम्हारे हाथ बस की बात नहीं है तो कहो भाड़ में जाए यार हमें मतलब नहीं पड़ता हम जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं हम वो काम कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है ना बात समझ में आ रही है बच्चों पांचवा क्या है मेंटेन योर ट्रीटमेंट प्लान अगर आप डिप्रेस्ड हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है तो अपना ट्रीटमेंट प्लान को मेंटेन करें बीच में यानी कि आज दवा खाई कल दवा नहीं खाई सुबह खाली शाम को नहीं खाई ऐसा नहीं करना है क्या कह रहा है इसके अंदर क्या क्या देखा जाएगा कंटिन्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ठीक है ना एंड नेवर स्टॉपिंग देम एब्रप्टली मेडिकेशन को लगातार लेना और ये नहीं कि एकदम से अपने आप से स्टॉप कर दे कि हम ठीक हो गए इन दवाइयों में थोड़ा सा क्या होता है नशे वाली दवाइयां भी होती हैं तो एकदम से बंद नहीं की जाती हैं

क्या कह रहा है प्रैक्टिस वो स्ट्रेटजी वगैरह अपनाओ जो थेरेपिस्ट आपको कह रहा है कि ये सब काम करो जिससे कि आप जल्दी बेटर हो सकते आपको वो सारे काम करने हैं ठीक है ना आगे आते हैं गेट प्लानी ऑफ स्लीप अगर नींद नहीं आती तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नींद लो कैसे आएगी ज्यादा से ज्यादा नींद कई सारे लोगों की दिक्कत है ये कैसे आएगी ज्यादा से ज्यादा नींद टू गेट बेटर स्लीप यू कैन देखो बहुत अच्छी बात बता रखी है यहां पर ये चीज सब तुमको है ना ढूंढते हो तुम कोई बता दे नॉट लुक एट एनी स्क्रीन फॉर टू आवर बिफोर बैड टी वी मोबाइल लैपटॉप अगर तुम्हें दस बजे सोना है तो आठ बजे के बाद तुम्हें कुछ नहीं देखना है आजकल बड़ी गंदी आता है सोते 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 है ना मोबाइल देखते 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 बंदा सो रहा है गलत बात है नींद नहीं आएगी वो ठीक है ना इंक्लूडिंग ऑफ फोन स्क्रीन में तुम्हारा फोन भी शामिल है मेडिटेट बिफोर बेड हो सके तो पांच मिनट का जाने से पहले ये कुछ भी अपना मेडिटेशन कर लें टेबल मैट्रेस आप जिसमें सो रहे हो वो थोड़ा कंफर्ट हो ये नहीं कि एकदम है ना पत्थर पे या जमीन पे सो रहे ऐसा नहीं अवॉइड कैफिन आफ्टरनून दोपहर के बाद कैफीन कैफीन में क्या क्या आता है चाय कॉफी है ना ये सब सिगरेट वगैरह ये सब ना लें। आफ्टरनून के बाद तो क्या होगा उसका कैफीन का असर लंबे समय तक रहता है तो शाम को तुमको सोने में दिक्कत आ सकती है क्लियर है फिर कह रहा है ये देखो एक और बात बताई जाती है ना बड़े बड़े मोटिवेटर की बात को बताते स्टे अवे दूर रहो फ्रॉम जहरीले पीपल टॉक्सिक पीपल जहरीला पीपल कौन होता है अबे तेरे बस का ना है तू ना कर पाएगा ये अबे चल रहें तू नहीं तेरे से नहीं होगा ये ये है टॉक्सिक पीपल आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि तुम कर ही नहीं पाओगे समझ रहे हो बात को और अगर मैंने कर लिया है काम तो मैं दिखाऊंगा अबे देख मैंने क्या से क्या कर लिया करेगा क्या तू तू रह तेरे से नहीं होगा टॉक्सिक पीपल से दूर हो अवॉइड टॉक्सिक पीपल यू शुड ना तो क्या कह रहा है जो जो तुम्हें बुरा उससे दूर दूर रहो। रहो ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं advantage. यही सब बातें सिखाई जाती है ना मोटिवेशनल चीजों में know the science, single नो द साइंस सिग्नल पहचानो इफ स्प्रेड रूमर और टॉक्स बैडली अबाउट ठीक है फिर कह रहा है दे लीव द रूम दे आर टू डू सेम अच्छा ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन को हटाना था तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों क्या कह रहा है ये ये लाइन को हटा देते हैं यहाँ से ओके ठीक है क्या कह रहा है ये इफ समन स्प्रेड रिमोट और टाक्स बैटली अबाउट सम वन ठीक है जो अगर किसी के बारे में अफवाहें फैला रहा है या किसी के बारे में बुरी बातें कर रहा है ऐसे लोगों से बच के रहो कोई बड़ी बात नहीं हो तुम्हारे बारे में भी बाहर बुरी बातें और अफवाहें फैला रहा हो क्लियर है मैं फिर कह रहा हूं ये सारी बातें जनरल हो रही हैं ठीक है एक तरह से कह सकते हैं कोर्स में बातें नहीं लेकिन जब डिप्रेशन की बात आती है तो ये सारी बातें डिस्कस करनी पड़ती हैं क्लियर है अच्छा खाओ क्या खाओ अच्छा खाओ ठीक है ना ईट वेल टू प्रिवेंट डिप्रेशन विद योर डाइट यू शुड अपने डाइट से कैसे प्रिवेंट करोगे ईट बैलेंस्ड मील बैलेंस्ड डाइट खाओ जिसमें हर तरह का प्रोटीन फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ हो रिड्यूस हाई शुगर अगर चीनी ज्यादा खाते हो तो बंद कर दो या फैट ज्यादा खाते हो तो बंद कर दो एलिमिनेट प्रोसेस्ड फूड पैकिंग वाला फूड जो पैकेट फूड आता है उसको बंद कर दो फ्रॉम योर डाइट एज मच एज पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके इनकॉर्पोरेट मोर ओमेगा थ्री एस जो ओमेगा थ्री एस है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करो ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है लेना है हमको विथ फूड लाइक सेलमोन और नट्स बात समझ में आ रही है रिड्यूस अल्कोहल अगर अल्कोहल वगैरह लेते हो तो खत्म कर दो गेट ऑफ निकोटीन स्मोकिंग वगैरह करते हो तो बंद कर दो है ना ये डिप्रेशन को क्या करती है बढ़ावा देती है ठीक है प्लान फॉर अनफेवरेबल नॉन ट्रिगर्स अगर तुमको पता है कुछ इवेंट ऐसे घटेगा जहां पे तुम्हें ट्रिगर डिप्रेशन के ट्रिगर आ सकता तो है तो डिप्रेशन हो सकता है तो उसको प्लान करो कि यार मेरे को जाना तो पड़ेगा वहां पर लेकिन मैं उससे बचूंगा कैसे देखो ये पे एक्जाम्पल दे रखा है बड़ा अच्छा एक देर आर समिप्रेशन ट्रिगर्स कुछ डिप्रेशन ट्रिगर्स होते हैं जो आपको डिप्रेशन को ट्रिगर कर देते हैं चालू कर देते हैं बट इफ यू नो अबाउट देम अगर तुम उनके बारे में जानते हो यू कैन प्लान फॉर देम उनके बारे में प्लान कर सकते हो जिससे कि तुम बचे रह सको एंड डेट कैन हेल्प यू कोप प्री एम्टिविटी जो पहले से ही एक खालीपन है ठीक है ना उसको कोप हेल्प करेगा कि किस तरह से उसे मैं बर्दाश्त करूंगा जैसे एग्जाम्पल दे रहा है एग्जाम्पल ऑफ अनअवॉडेबल डिप्रेशन ट्रिगर कुड भी एनिवर्सरी ऑफ डेथ और डाइवोर्स अगर कोई मर गया आपका प्यारा प्यारा जो था आपका वो मर गया उसकी एनिवर्सरी वगैरह है तो हो सकता है उसकी एनिवर्सरी में आप उसको इतना ज्यादा याद कर लो कि डिप्रेस हो जाओ तो आपको पता है कि एनिवर्सरी आने वाली है जाना भी पड़ेगा तो आप पहले से प्लान कर सकते हो है ना कोई मेडिसिन वगैरह ले सकते हो या कुछ भी अपने माइंड को मेडिटेट करो अच्छे से कि अब वहां पर जाने के बाद मेरे को डिप्रेशन का शिकार एक बार फिर से मैं हो सकता हूँ ठीक है तो उसको आप प्लान कर सकते हो बात समझ में आ रही है क्लियर है चलो आगे देखते हैं ये सारी बातें हमारे पास क्या हो रही है डिप्रेशन क्या था क्या कारण है ठीक है ना और कैसे उनसे बचा जाए ठीक है बात करते हाउ एंटी डिप्रेसेंट देखो ये एक तरह से हमारा अब मेन कोर्स स्टार्ट हो गया क्या स्टार्ट हो गया कुछ बच्चे कह रहे हो सर इतना लेक्चर दे दिया मैंने तो पहले ही कहा था अगर नहीं सुनना तो आगे बढ़ जाओ सीधा क्लासिफिकेशन पे आ जाओ लेकिन बेटा जरूर जरूरी है ये ठीक है ना ये सब जानना जरूरी है क्यों अब फार्मेसी में हो तुम ठीक है एक एज ए हाफ डॉक्टर हो जाते हो कल को कोई तुमसे कुछ बातें पूछेगा तो तुमको सारी बातें पता होना चाहिए डिप्रेशन तो इतना कॉमन टॉपिक है इतना कॉमन टॉपिक है कि उसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी तुमको फेस करना पड़ जाएगा कि बताओ डिप्रेशन के बारे में नहीं जानते हो ठीक है पता होना चाहिए अब देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट जो हम एंटी डिप्रेसेंट आज मेडिसिन की बात करेंगे वो काम कैसे करते हैं देयर आर थ्री बेसिक मॉलिक्यूल तीन बेसिक मॉलिक्यूल हैं कौन कौन से हैं डोपामाइन नीरोन केमिकली नोनस मोनोअमींस इनके अंदर एक अमीन ग्रुप होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोअमींस डेट आर बिलीव टू इन्वॉल्व ऐसा माना जाता है कि ये इन्वॉल्व है मूड रेगुलेशन में हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं बढ़ावा देते हैं ठीक है दिस प्राइमरली मेनली प्राइमरली मतलब एकदम खास तरीके से वर्क एज न्यूरो ट्रांसमीटर यह न्यूरो ट्रांसमीटर है एक नर्व से दूसरी नर्व में जाके पास होते हैं और सिग्नल देते हैं कि अब तुम्हें क्या काम करना है ठीक है विच लिटरली ट्रांसमिट नर्व सिग्नल जो नर्व के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टू देयर करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर्स जो उसके आगे रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है अब इसका एक डायग्राम भी देखेंगे ठीक है हमें इसको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इस टाइप से ये वाला डायग्राम याद है हाँ याद आ गया होगा ठीक है ना यहाँ पे वाला डायग्राम अभी इसको और डिटेल में देखेंगे ठीक है ना और रिसेप्टर्स में जाते हैं ठीक है ब्रेन के और क्या करते हैं सिग्नल देते हैं जिससे कि वो केमिकल्स क्या करेंगे हमारे मूड को अच्छा करते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट वर्क बाय इन्फ्लुएंसिंग दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं कैसे अफेक्ट करेंगे आओ देखते हैं डोपामाइन क्या है ये डोपामाइन डोपामाइन को लव केमिकल भी कहते हैं जिस समय आप बहुत खुश होते हैं है ना किसी ने आपको प्रपोज कर दिया है और उस दिन आपको भूख प्यास नहीं लग रही है इतनी खुशी हो गई है या आपको कोई चीज मिल गई बाइक मिल गई साइकिल मिल गई और आप इतने खुश हो गए हो कि आज भूख प्यास ही नहीं लग रही है तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है डोप है ना हमारे मूड को बहुत अच्छा कर दिया उसने बात समझ में आ रही है क्लियर है विच प्ले अ सेंट्रल रोल मेन रोल यही प्ले करता है डिसीजन मेकिंग हमारे डिसीजन लेने में मोटिवेशन होने में अराउजल हमें सेक्सुअली अराउज होने के लिए एंड सिग्नलिंग ऑफ प्लेजर एंड रिवार्ड ठीक है ना हमको हर तरह की जो खुशी होती है उसमें सबसे बड़ा काम किसका है डोपामाइन का है का है इन्फ्लुएंसेस ये क्या काम कर रहा अलर्ट हम अलर्ट होते हैं ना मान लो अचानक कोई डर लग रहा है अच्छा कुछ आ रहा है को बचना है अलर्ट एंड मोटर फंक्शन जो हमारे मसल्स जो हम काम करने उसके लिए एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर हमारे बीपी को रेगुलेट करता है हार्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अगर स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा ना कई बार स्ट्रेस हो रही है बॉडी में तो नो रेफरे नेफरिन हमारी बॉडी को अलर्ट करता है बीपी को रेगुलेट करेगा हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा ठीक है ना जिससे कि हम अपने स्ट्रेस से ओवरकम हो पाए बात समझ में आ रही है सीरोटोनिन दीरो ट्रांसमीटर हुगुलेट मूड ये भी मूड को रेगुलेट कर रहा है भूख और हमारी नींद हमारी मेमोरी सोशल बिहेवियर एंड सेक्सुअल डिजायर तो देखो ये तीन अब जरा गौर से देखो इनके सारे छात्र था फंक्शन देख लो एक बार डिसीजन मेकिंग मोटिवेशन ठीक है ना अलर्टनेस रेगुलेट एपेटाइट स्लीप सेक्सुअल डिजायर ये सारी चीजें अगर तुम देखो गौर से यही सारी चीजें तो हमें खुशियां देती हैं हाँ कि ना और खुशियां देने के लिए इन केमिकल का निकलना जरूरी है यानी कि हमारी खुशियां भी हमारी नहीं है इन केमिकल की देन है बात समझ में आ रही है हमारी खुशियां भी इन केमिकल की देन है देखो ये खुशियां भी हमारी नहीं है इंसान का अपना है क्या ठीक है ये खुशियां भी इन केमिकल्स की देन है बात समझ में आ रही है तो आओ देखें जरा देखो मैंने कहा था ऐसा कैमिकल दिखाऊंगा मैं अभी तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि डायग्राम पूरा आ जाए ओके इन पीपल विद डिप्रेशन कह रहा है ऐसे पीपल जो डिप्रेस होते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज न्यूरो ट्रांसमीटर इन न्यूरो ट्रांसमीटर की जो हमने तीन बात की इनकी अवेलेबिलिटी इन द ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिकली लो काफी कम हो जाती है एंटी डिप्रेसेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग एंटी डिप्रेशन क्या करते हैं काम करते हैं इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ताकि ज्यादा से ज्यादा ये ये केमिकल अवेलेबल अवेलेबल रहे जब रहेंगे तो सिग्नल भेजते रहेंगे मोटिवेट करते रहेंगे हमारी इच्छा को जगाते रहेंगे वन और सेवरल ऑफ इन डिफरेंट एंड डिस्टिंग में कई तरीके से ठीक है इसमें सबसे सिंपल तरीका हम समझ सकते हैं देखो होता क्या है ये है ठीक है सीरोटोनिन ये मेरे पास क्या है सीरोटोनिन है

हंसो अलर्ट रहो ठीक है ना अब होता है सिग्नल देने के बाद ये वापस से इसमें क्या होंगे होते होते हैं हैं अपटेक इनका होता है वापस वापस से से और जब ये वापस से होते हैं, तो मोनोअमिन ऑक्सीडेट क्या करता है इनको ब्रेक कर देगा है ना इनकी भी एक लिमिट है बहुत ज्यादा निकल आएंगे तो पागलपन भी चढ़ता है फिर तो नॉर्मल रहता है आते हैं निकलते हैं हमको खुशी देते हैं वापस जाते हैं इनका ब्रेकडाउन डाउन हो जाता है फिर ये खत्म हो जाते हैं तो ये जो हम एंटी डिप्रेशन वो क्या करेंगे कि जो इनका वापस से ये देख रहे हो वापस से जो ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं इसको यहां पर रोक देगा रीअब्जॉर्ब होने नहीं देगा ये लगे रहेंगे यहां पर हमारा मूड लगातार ठीक रहेगा इससे ठीक है ये लगातार इस रिसेप्टर पर लगे रहेंगे आगे सिग्नल जाता रहेगा कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो सिग्नल आ रहा है केमिकल हमको खुश रखे हुए है बात समझ में आ रही है तो हम पढ़ेंगे इसमें जो कई सारे फंक्शन होंगे जिसमें हम इनका वापस से ये जो केमिकल वापस से इसके अंदर जा रहा है इसका रीअब्जॉर्स को रोकेंगे प्लस ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेस जो एंजाइम है जो इनको तोड़ दे रहा है इस मोनोअमीन ऑक्सीडेस एंजाइम को रोक देंगे तो इसका टूटना बंद हो जाएगा क्योंकि टूट के फिर वापस बनने में टाइम लगता है तो अगर वापस से रीअब्जॉर्व हो भी गया तो दवाइयां इनको वापस से क्या करेंगी जल्दी से सिगरेट करवा देंगी ये बाहर आ जाएंगे और अपना एक्शन करना शुरू करेंगे बात समझ में आ रही है तो एक छोटा सा फंक्शन था ये बच्चों ध्यान रखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा समझ ले ये हमने साइन के टर्म में समझा था शुरुआत में ठीक है ना क्लियर है बातें तो ये इस तरीके से हमारी खुशियां केमिकल्स हमको देते हैं ला करके तो आओ बच्चों अब चलते हम लोग आगे क्लासिफिकेशन यहां से क्लासिफिकेशन से क्या है हमारे पास हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट होता है इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी हमारे पास मेन था टॉपिक ठीक है प्यास लगी ओके okay. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो अब हमको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्लियर चलो आ जाओ इधर पे अब। आ जाओ बोर्ड पे देर आर नंबर ऑफ एंटी डिप्रेशन पे कई सारे एंटी डिप्रेशन डेट वर्क बाय जो काम करते हैं बाय प्रिवेंटिंग द री अभी हम लोगों ने बात की इनका रीऑबजॉप्शन को रोकना है क्या करना है इनके री को रोकता है बात समझ में आ गई ठीक है इनके रीऑब्जॉप को रोकता है वर्क बाई प्रिवेंटिंग री रीअपटेक ऑफ न्यूरो बॉडी वापस रिओब्जॉर्ब नहीं होने देगा कलेक्टिवली कहते हैं रीअपटेक इनबिटर जो इनहिबिटर इनहिबिट inhibit का मतलब रोक देना रीअपटेक को रोक देंगे दे प्रिंट द रीअपटेक ऑफ वन और मोर न्यूरो ट्रांसमीटर एक या एक से ज्यादा न्यूरो रीअपटेक होने से रोक देते हैं सो so दैट मोर आर अवेलेबल एंड एक्टिव इन द ब्रेन जिससे कि ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं और ब्रेन में एक्टिव होते हैं क्लियर है क्लासिफिकेशन तो, तो अपने कोर्स में है सबसे पहले आता है सिलेक्टिव ये सिर्फ और सिर्फ के आ, को ही रोकेगा, ठीक है ना वर्क बाय स्पेशली बात है, है बता रही है हमारे ये इसके एग्जांपल है ठीक है सिटालोप्राम एसिटालोप्राम फ्लोक्स फ्लोक्सैटीन फ्लोक्सामीन ठीक है फ्लूवोक फ्लोक्सामीन अच्छा रिपीट हो गया ये ठीक है सी आर और ये सी आर है देन प्रोक्सेटीन प्रोक्सेटीन सी आर सेट्रालिन सर्ट्रालिन से से सर्ट्रालिन क्लियर है अब आगे आते हैं सीरोटोनिन नॉर अपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबीटर इनका क्या सीन है ये जो है ड्रग्स ये सीरोटोनिन को और

लीवो मिलना सिप्रन ठीक है ये थोड़ी सी नेमिंग है बात समझ में आ रही है तो मेन फंक्शन समझ में आ गया होगा अब तो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो गया होगा केमिकल हमको खुशियां दे रहे हैं इनको एब्जॉर्ब होने मत दो जितना ज्यादा बाहर रहेंगे उतनी ज्यादा खुशियां आती रहेंगी ठीक है चलो अच्छा इन दवाइयों पर ना एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है क्या देखते हैं हम लोग तीसरे टाइप की जो कैटेगरी आती है दो कैटेगरी तो ये थी हमारे पास और नॉर एपिनेफ्रिन वाले तीसरे टाइप की वैरायटी है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं ट्राई साइक्लिक है। ट्राई साइकिल मतलब दो, दो तीन हर किसी में कितनी है तीन तीन रिंग है देख पा रहे हो तुम लोग हर किसी में कैसी है तीन तीन रिंग है इसीलिए इनको क्या कहा गया है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये ओल्डर क्लास ऑफ ड्रग है मतलब पहले काफी इस्तेमाल होता था इनका दे वर नेम्ड आफ्टर देयर केमिकल स्ट्रक्चर इनके नाम केमिकल स्ट्रक्चर में तीन तीन रिंग थी इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट उससे कनेक्टेड रहते हैं ठीक है अब बात करें अगर तो ये कहता है कि टी सी ए वर्क सिमिलरली टू री अपेक ये भी वही काम कर रहा है रीअपटेक इनिवीटर्स ठीक है ना ये भी क्या है रीअपटेक इनिवीटर हैं इन द इन दैट दे ब्लॉक द एब्जॉपन ऑफ रोन नॉर वही काम कर रहा है उनके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दे रहा है उनको वापस से होने नहीं देगा। as well as क्या काम करते हैं विच हेल्प रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल अच्छा ये हमारे हाथ पैर चलवाते हैं एसटाइल कोलिन क्या करवा रहे हैं हमारे हाथ पैर चलाने में हेल्प करते हैं ठीक है ना ऑब्वियसली डिप्रेस होते हैं हमारे कुछ काम करने का मन नहीं करता हम थकान थकान से फील कर रहे हैं तो एस्ट्रोलकोलिन भैया आ जाएंगे ये भी काम कराएंगे एग्जाम्पल की बात करें तो डॉक्सीपाइन ठीक है ये सारे इसके क्या है हैं ठीक है तो कम से कम दो दो तीन दिन एग्जाम्पल पक्का याद कर लेना चौथे नंबर पर आते हैं मोनोमिन ऑक्सीडेज इनवीटर जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो मोनोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है जो उनको तोड़ दे रहा था जो मोनोम ऑक्सीडेज है ये इसको तोड़ दे रहा था इस एंजाइम को ही क्या करेगा खत्म कर देगा तो टूटेंगे नहीं जल्दी जल्दी क्या रहेंगे अवेलेबल रहेंगे ताकि वापस से आकर के रिसेप्टर से जुड़े और हमको खुशियां दें। क्लियर है तो कुछ ऐसे होते हैं जो इस एंजाइम को मोनोअमीन ऑक्सीडेज को रोक देते हैं काम करने से क्या कह रहा है इनहिबिट द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड मोनोअमीन ऑक्सीडेज मोनोअमीन ऑक्सीडेज है इस एंजाइम के काम को रोक देगा क्या है ब्रेक डाउन तोड़ देगा मोनोअमीन को कौन तोड़ता है ये एंजाइम को तोड़ देते हैं मोनोमीस कौन थे कौन थे ये जो नॉर एड्रेनलिन ठीक है ना ये हमने पढ़ा था ना यह सबके सब क्या है? स्टार्टिंग में मोनोमीन है याद आ रहा है जितने भी ये तीनों थे ये क्या है मोनोमीन है इनको ये एंजाइम क्या करता है तोड़ देता है बात समझ में आ रही है तो हमने ऐसी ड्रग बनाई जो इस एंजाइम को तोड़ देगा हमारी खुशियां टूटने से बच जाएंगी क्लियर है

आ जाओ वापस चलो देखते हैं नेक्स्ट अब हमारे पास जो टोटल टेन ड्रग्स हैं, जिसमें से तीन ड्रग्स के हमको केमिकल स्ट्रक्चर को क्या करना है याद रखना है तो जिसमें पहला, है, हमारे पास? एमी पहला कौन सा है एमी ट्रिप्टालीन हाइड्रोक्लोराइड अब देखो यहां से बातें जनरल स्टार्ट हो जाती है आओ देखें थोड़ा सा इसका हाँ ओके, ब्रांड नेम इलाविल के ब्रांड नेम के नाम से सोल्ड किया जाता है काफी famous नाम है है इसका ये. ये. अब tricyclic समझ में आता होगा, तीन रिंग वाला. प्राइमरली प्राइमरिली जिसको इस्तेमाल है, में दिक्कत आती हो वो लिख सकता है इसी जगह पर मेनली क्या लिख सकता है मेनली यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भाई डिप्रेशन भी कई तरीके के होते हैं तो उनको ट्रीट करता है

इसके थोड़े साइड इफेक्ट ना थोड़े से ज्यादा हैं तो इसीलिए ये सेकंड लाइन यानी कि हमारी पहली पसंद नहीं है हाँ जरूरत पड़ने पे इसको हम इस्तेमाल करवाएंगे लेकिन हम पहली पसंद में इसको नहीं रखते हैं पहली पसंद में हमारे दूसरे ड्रग है बात समझ में आ गई बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट एमिटिप्टिलिन इज जनरली टिप्टी एज सेकंड लाइन ड्रग सेकंड लाइन थेरेपी क्यों रखा रखा गया है क्योंकि इनके थोड़े से साइड इफेक्ट है अब आते हैं बच्चों केमिकल नेम एंड केमिकल नेम एंड ओके केमिकल नेम को समझते हैं जरा ठीक है देखो जरा क्या है हम लोग चलेंगे यहां से उल्टा ठीक है तो एनपी सी एस थ्री पे सी एस थ्री सी एस थ्री के लिए क्या लिखा जाता है मिथाइल सी एस थ्री के लिए लिखा जाता है मिथाइल तो एन एन डाई मिथाइल प्रोपाइल अमीन ठीक है हम देख लेते हैं यहां पर में क्या हो जाएगा वन टू और थ्री तो तीन कार्बन है जितने भी जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कार्बन होते हैं पता है ना तो क्या हो गया ये? प्रोपाइल तीन के लिए क्या होता है प्रॉप और प्रोपाइल अमीन ओके okay. अब तीसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है आओ देखते हैं टेन इलेवन अब देखो यहां पर सीन क्या मेरे पास इसके अगर नंबरिंग करूं ये मेरे पास है क्या दिस इज डाई बैंजो एक बेंजीन दूसरा बेंजीन बात समझना और साइक्लो एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूं। पहले भी क्लास में बता चुका हूं मैं और ये ठीक है ना न, ये ये ये। ये हो गया क्या मेरे पास एक दो तीन चार पांच छह और सात ये क्या हो गया साइक्लो ठीक है ना है, साइक्लो एक तो साइक्लो हो गया और हेप्ट आगे क्या है अभी इसके बॉन्डिंग टू फोर और हो तो हेप्ट वन इन लिख सकते हैं ठीक है ना तो एक ये रहा। इसके साथ में एक बेंजीन रिंग इधर जुड़ी हुई है बात समझ में आ रही है एक बेंजीन रिंग उधर जुड़ी हुई है एक बेंजीन रिंग इधर जुड़ी हुई है क्लियर है तो क्या लगा ये डायवेंज अब आते हैं देखो तीसरे पे क्या लगा हुआ है अब इसकी नेमिंग कर ले जा रहा वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था क्या था यहाँ पर डबल बॉन्ड था था कि नहीं था ठीक है और यहाँ पर डबल बॉन्ड था जब ये जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद ये कंपाउंड क्या बनता है इस टाइप से बनता है जब भी मैंने लास्ट टाइम बताया था ठीक है ये कंपाउंड यानी कि यहाँ पर इसकी नेमिंग करूंगा तो या लें ये तो हो गया वन टू थ्री जब मैं इसकी बॉन्ड की नेमिंग करूंगा नेमिंग करूंगा बॉन्ड की नेमिंग तो बॉन्ड की नेमिंग मैंने सिखाई थी ये क्या हो जाएगी ए बी सी और डी और ई e, और एफ और जी याद आ रही है ए बी सी और डी अगर मैं ऐसे चलता हूं ए बी सी डी ये ई e आएगा बढ़ गया हमें कम से कम रखना है ठीक है ना तो देखो ये दोनों बेंजीन कौन से कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ए से और डी से तो ए डी का मतलब ये रहा डाई बैनजो समझ में आ गया डाई यहां डाइबे पहले क्या लगा हुआ था हाइड्रोजन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड था इस डबल बॉन्ड को भी हटाया गया गया है और यहां पर क्या जोड़ा हाइड्रोजन जोड़ा गया है तो टेन और इलेवन पे भी हाइड्रोजन जुड़े हैं तो डाई हाइड्रो तो नंबर तीन पर पूरी पूरी रिंग है अब इस रिंग को अगर एक्सप्लेन करूं मैं तो टेन इलेवन पर डाइहाइड्रो फाइव पर भी हाइड्रो है फिर दो बेंजीन है तो डाई बेंजो और ये दो बेंजीन इस सेंटर रिंग से किससे जुड़े हुए हैं ए और डी की बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं देन साइक्लोहेप्ट ये मेरा साइक्लोहेप्ट आ गया जो बीचा बीच में मौजूद है और ये साइक्लोहेप्ट जुड़ा किससे है नंबर कार्बन ये नंबर कार्बन कौन सा है फाइव नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो फाइव और मिथाइल आइल आइल और इथाइली डीन डबल बॉन्ड बात समझ में आई फिर एन एंड डाई मिथाइल प्रोपाइल समझ में आ गई नेमिंग कैसे करेंगे इसकी क्लियर है आगे देखते हैं ब्रांड नेम्स की बात करें कुछ कुछ मिस मिस हो हो गया गया क्या इसमें केमिकल नेम अच्छा ब्रांड नेम एकदम पहुंच गए की बात कर देखो यूज अब सिंपल है इतना समझा दिया डिप्रेशन में इस्तेमाल होगा इंप्रूव मूड फीलिंग वेल ठीक है टेंशन में टेंशन में एंजाइटी चिंता में हेल्प यू स्लीप बेटर इंक्रीज योर एनर्जी लेवल अगर स्टार्टिंग पे मेरा लेक्चर देख लिया अच्छे से तो यूज तो तुम ऐसे लिख दोगे यूज क्या क्या दिक्कतें आई थी सिम्टम्स जो जो सिम्टम्स है वो यूज में लिख दो खेल खत्म है ना जितने भी ड्रग्स होंगे डिप्रेशन में तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं एनजाइटी चिंता में मूड को ठीक करने के लिए फील बेटर वेलबींग ये सब चीजें जनरल बातें होगी ना बात समझ में आ रही है स्टेबिलिटी स्टोरेज बच्चों इन ड्रग्स के मैंने चेक किए सबके सेम है स्टेबिलिटी स्टोरेज सबके सेम है तो यही तीन स्टेबिलिटी स्टोरेज मैंने सब में कॉपी पेस्ट किए तो तुम लोग ये तीन याद कर लो इसको मैं अब आगे बढ़ाता चलूंगा फटाफट ठीक फटा। है ना स्टेबिलिटी स्टोरेज सब में सेम है वेल स्टोर कंटेनर अच्छा स्टेबिलिटी स्टोरेज में अगर किसी को डाउट हो तो ब्रांड का नाम डाल करके यूट्यूब गूगल पर डालोगे तो रैपर निकल के आता है उस पर देख सकते हो स्टोरेज की क्या क्या कंडीशन है दिख जाते हैं ठीक है ना फॉमेशन टैबलेट और ओरल के रूप में मौजूद है ठीक है आगे देखें हो गया हमारे पास और लास्ट में आता है क्लियर है सिंपल है, है. तो है? है अब आते हैं इमीपरा अच्छा ये जो तो स्टार्टिंग में बातें लिखता हूँ ना ये ये अगर गौर किया है ना सब जो नीचे लिखता हूँ वही जनरल बातें यहाँ लिख देता हूँ देखो क्या क्या एक उसका ब्रांड नेम बता दो जनरल बात कोई पूछ ले क्या है ब्रांड नेम बता दिया किस ग्रुप में जाता है ट्राई एंटी एंटीडिप्रेशन किस काम में आता है डिप्रेशन काम में आता है क्या अफेक्ट करता है ऑल्सो अफेक्ट एनजाइटी ये फंक्शन हो गया इसका ड्रग ऑल्सो यूज टू ट्रीट बैड वेटिंग अच्छा ये कुछ थोड़ा सा कई बार एक्स्ट्रा बैड वेटिंग मतलब कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना आ, सोते सोते बड़े हो जाए तब भी सोते सोते उनको पेशाब हो जाता है थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को इवी पर ये माउथ के द्वारा लिया जाता है ठीक है तो ये तो कुछ जनरल बात मतलब ये सारी बातें क्या होगी कॉमन होगी लेक्चर शुरू से देख रहे हो तो ये तो आप ऐसे लिख दोगे कौन सा ब्रांड अवेलेबल है किस ग्रुप में पाया जाता है ठीक है किस काम में आता है और किस काम में आता है इसका बच्चों को दिक्कत ज्यादा होती है देखो आप तो ये वही चीज आ गई यहां पर केवल अंतर क्या है केवल अंतर क्या है केवल अंतर क्या है पीछे वाले में यहां एन नहीं था यहां वाले में क्या है एन है यानी कि इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं ये क्या है एजीपिन है ना बीच में जहाँ एन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं एजीपिंग क्लियर है अब देखो लो, नाम इसका क्या है एन एन डायमिथाइल यहां पर भी क्या है है एक एक और यहां भी क्या एन एन हैथाइल प्रोपेन वन अमीन ये वन ये टू और ये थ्री एक दो और तीन प्रोपेन और ये वन पे क्या लगा हुआ अमीन ग्रुप लगा हुआ है इसका खेल खत्म हो गया तीसरे पे इतनी बड़ी रिंग लगी हुई है आओ देख लें ठीक है नेमिंग कर लें इसकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन जो ब्रिज होते हैं ज्वाइंट होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं टेन इलेवन पे यहाँ डबल बॉन्ड था पीछे दिखाया था मैंने वो डबल बॉन्ड गायब हो गया फाइव पर यहाँ पर इस एन के साथ क्या होता है एच होता है वो गायब हो गया यानी कि फाइव पे एच था और टेन इलेवन पे हाइड्रो हाइड्रोजन मौजूद है ठीक है देन जो मैंने बताया था बी और एफ इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दिस इज ए बी सी डी ई और एफ कौन कौन से बॉन्ड आ गए ये और F आ गए क्योंकि एन लगा हुआ तो हमको मजबूरी में से स्टार्ट करना पड़ता है पीछे एन नहीं लगाता तो हमने यहां से स्टार्ट कर लिया था एन लगा तो हमें इसी बॉन्ड से स्टार्ट करना है यहां से ऐसे चले या ऐसे चले बात समझ में आ गई कौन से नंबर से जुड़ा हुआ है ये फाइव से और आयल क्योंकि डबल बॉन्ड अब नहीं है तो केवल आइल पीछे वाले में अगर देख लो तो इडीन भी था साथ में डी ठीक है ना देन एन एन डायमि प्रोपेलामीन क्लियर हो गया नेमिंग क्लियर है गुड आगे आते हैं आगे क्या बोल रहा है कहा आ हम लोग हाँ आइए बात करें यूजेस यूजेस में क्या क्या है इट इज यूज देखो यूज तो देखो यार वही आ गया बच्चो यूज तो वही आ गया दिख रहा है यूज तो वही आ गए इट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन ट्रीटमेंट ऑफ नाइट टाइम बैड बैटिंग वही नाइट टाइम बैड बैटिंग जो मैंने बैट बैटिंग लिखा था उसको ऐसे लिख दो बैड बैटिंग को हम लोग इन्यूरेसिस भी कहते हैं जो बच्चों में होती है ठीक है ना बच्चे ये नहीं कि एक साल का सात आठ साल का बच्चा हो गया अभी भी तरह तो पेशाब करता है तो भी इसका इस्तेमाल हो जाता है इंप्रूव योर मूड स्लीप भूख प्यास एनर्जी सबको ये ठीक करता है ये तो स्टार्टिंग में सारी बातें कर ली हमने ना तो ये सब खटाखट लिख सकते हो यूज में ठीक है ना बस ड्रग का नाम पता होना चाहिए ये हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है स्टोरेज स्टेबिलिटी मैंने बताया सबका सेम है ठीक है फॉर्मले ज्यादातर देखो जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं ज्यादातर टैबलेट टैबलेट सब में लिख दो इंजेक्शन कोई नहीं है टैबलेट कैप्सूल टैबलेट कैप्सूल टैबलेट कैप्सूल ये भी फिट हो गया मामला ये भी मामला फिट हो गया टैबलेट कैप्सूल टैबलेट कैप्सूल टैबलेट कैप्सूल स्टोरेज फिक्स हो गया यूजेस फिक्स हो गया अगर स्टार्टिंग में मेरा भाषण सुन लिया है तो यूजेस फिक्स हो गया स्टोरेज फिक्स हो गया फिक्स हो गया क्लियर है इनको तो याद करना ही नहीं है अभी याद हो गया तुम लोगों को ये ओके आगे आते हैं फाउंडेशन के बाद क्या बचा ब्रांड नेम बचा ब्रांड नेम देख लो यहां पे ब्रांड नेम क्या है टोफ्रा नील इमिप्रामाइन के नाम से भी है और एंटीडब के नाम से भी ये ड्रग हमारे मार्केट में क्या है अवेलेबल है ओके okay? मजा आ रहा है गुड अटेंटिव बी अटेंटिव थोड़ी देर और चलो ड्रग नंबर थर्ड ठीक है ना फ्लुक्टाइन या फ्लुक्टीन ओके okay? क्या है ये सोल अंडर द ब्रांड नेम या लिख दो ये मार्केट में प्रोजेक्ट और सेराफेम के नाम से मौजूद है ये एंटी डिप्रेसेंट है

वो जो काम करता है ना उसके लिए एकदम तो ऑब्सेस है मतलब करना है बस वो काम मतलब ये नहीं जुनून वाली बात नहीं हो रही यहां पर मतलब मैं अगर बोल दूं कि अच्छा यहाँ पे हल्का सा भी मान लो मेरा कपड़ा फटा हुआ है तो कहूँ मैं कपड़ा ना पहनू मैं जहां जहां कपड़े घर भर में फटे वो सब निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं सजे हुए कपड़े ला कर रख लूंगा ये एक तरह की एक तरह की वो होती है बीमारी कह सकते हैं कि कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो अपने आस पास बिल्कुल हटा देता हूँ उसको मैं बात समझ में आ गया पैनिक डिसऑर्डर ये भी पैनिक पैनिक की बात हम लोग पहले कर चुके हैं डर लगता है इट आल्सो हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट Premature ejaculation. सुना होगा बच्चों है है ना से okay. से लिया लिया मैंने बताया अभी हैं भैया है सारे तो से लिया जाएगा ये आगे okay. आगे देखते हैं. Chemical name and structure. आओ आगे से पढ़ने की बजाय हम लोग कहां से देखेंगे इसे? पीछे से यहां पर एचसीएल साथ में लिखा नहीं है मैं साथ में लिख देता हूं डॉट एचसीएल ठीक है ना प्रोपेनल वन अमाइन तो ये आ जाओ वन टू और थ्री एक दो तीन ठीक है ना प्रोपेन वन अमाइन हो गया ओके अब और आगे आते हैं एन पर क्या लगा हुआ है ये लगा हुआ है सी थ्री तो एन पे हमने क्या लगा दिया एन पे मिथाइल लगा हुआ है थ्री पे फिनाइल लगा हुआ है थ्री पे फिनाइल लगा हुआ है फिर थ्री पर क्या लगा हुआ है थ्री के पास फिर एक ओ लगा हुआ है इस ओ पे एक चेन लग, वो लगा हुआ है फिनाइल है ये भी ठीक है और इस पर ट्राई फ्लोरो ये लगा हुआ है तो वन टू थ्री और फोर थ्री पर फोर पे ट्राई फ्लोरो फ्लोरो और ये सी है तो ट्राई मिथाइल हो गया ये फिनॉक्सी सी एच थ्री ओ क्या पढ़ते हो सी एच थ्री की वजह से ये पूरा क्या है बेंजीन रिंग है दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है बेंजीन रिंग है ओ के साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा बेंजीन रिंग किसका जुड़ा जुड़ा हुआ है तो बन गया फिनॉक्सी फिनाइल से क्या बना फिनॉक्सी ये मेथ और ओ मिथॉक्सी ठीक है ना अगर ऐसा होता तो इसको क्या पढ़ते हैं फिनॉक्सी हो गई आगे प्रोपेन व नमीन हाइड्रोक्लोराइड एचल साथ में जोड़ दो सिंपल है अब तो मेरे सिंपल समझ में आने लगा होगा कोई एक चीज याद स्ट्रक्चर याद कर लो या नाम याद कर लो नाम से स्ट्रक्चर बना दो या स्ट्रक्चर से नाम लिख दो कोई एक चीज पढ़ लो बस उससे काम हो जाएगा यूज की बात करें भैया यूज तो पता ही चल गए हैं डिप्रेशन के लिए है ओसीडी है ना ऑब्सेसिव कमसिव डिसऑर्डर और ब्यूलिमिया नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर भैया इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़ लिया हमने ये स्टेबिल स्टोरेज सबका सेम है रूम टेम्परेचर पर रखो लाइट से बचाओ वेल क्लोज कंटेनर में रखो फॉर्मलेसन कैसुल टैबलेट ये भैया थोड़ा सा सोल्यूशन रूप में मिल जाते हैं ब्रांड नेम प्रोजेक्ट सेराफेम और फ्लूडेक्ट है, मजा आ रहा है चले आगे ओके वैक्सीन वेनला वेनला का क्या क्या है किस नाम कौन सा ब्रांड नेम के अंदर बेचा जाता है, के अंदर, यह भी एक एंटी डिप्रेसेंट है और एस एन आर आई सीरो क्लास का है ये। ना? ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जनरलाइज एंजाइटी एक चिंता ठीक है ना पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया सामाजिक लमेल बिठाने में जब को डर लगे उसके लिए टेकन बाय माउथ क्लियर है ओके अच्छा अगर किसी को मेरी ये लैंग्वेज टफ लगती है तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखे दो को। और अच्छी लैंग्वेज जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं वेल सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम एफेक्सर ठीक है ना वेनला फैक्सिन तो तुम लिखो इट इज सोल्ड या इट इज सोल्ड अंडर नेम एफेक्सर ऐसे लिख दो सिंपल लैंग्वेज बना लो ठीक है ना बात समझ में आ रही है जो नोट्स में देता हूं मिल रहा है ना सबको प्रॉपर अब तो मैंने उसका वर्ड वर्ड ऑफिस ओफि, वाला देना दे शुरू कर दिया ना पीडीएफ बढ़िया वाला ओके केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर देखो इसके ऊपर स्टार नहीं है तो केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर इसका तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट देख लो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी पीछे से आओ साइक्नोलोल साइक्लो ओ लगा हुआ है ठीक है फिर वन इसके वन पर कौन लगा हुआ है वन पर फिर आ जाओ टू ठीक है ना टू पे क्या लगा हुआ है डायमिथाइल सॉरी यहां पर आते हैं एक मिनट ये यहां पर आ जाएगा वन और ये क्या आ जाएगा टू ठीक है ना तो ये इसका ये इस चेन का वन टू है इसको एक्चुअली वन डेज टू डेस बोलने ठीक है और ये इसका यहां पे वन है तो इसके वन के इसमें क्या लगा हुआ है टू डाय मिथाइल एक सी एस थ्री और एक सी एस थ्री मिथाइल अमीनो हो गया फिर वन पे क्या लगा हुआ है फोर फिनाइल ग्रुप है और ये क्या है सीएस और ये क्या अभी बताया था मिथॉक्सी फोर मिथॉक्सी क्या है फिनाइल और ये क्या है One, two, है क्लियर जहां ज्वाइंट है वहां कार्बन है पता है ना जहां जहां ज्वाइंट होते हैं वहां वहां क्या होते हैं कार्बन जब खाली जगह है उसको भी कार्बन क्या मैं बोलूं बताओ यहां कितने कार्बन है तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और चार कार्बन क्लियर चलो 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 ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, 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 चलो ओके नाइस यूजेस यूजेस नहीं बताऊंगा अब मैं ठीक है एंटी डिप्रेशन बताया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्लियर है सोशल फोबिया स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया कोई बात नहीं यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते दिस इज स्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर सॉरी स्टेबिलिटी स्टोरेज हेडिंग रिपीट हो गई है यहां आते हैं सेम रहेगी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की कंडीशन प्रिवेंट फ्रॉम लाइट क्लोज इन सॉरी रखो वेल क्लोज कंटेनर में ठीक है और लाइट से बचाओ फॉर for, फॉर्मूलेशन uh, की बात करें तो कैप्सूल और टैबलेट ब्रांड नेम एफेक्सर क्लियर है चलें आगे ओके देन ड्यूल ब्रांड नेम किसके ब्रांड नेम के अंदर जनरलाइज एंजाइटी टेकन बाय माउथ ओके अगेन इसका स्टार नहीं है स्टार्टिंग तीन ड्रग्स का ही जो था मैंने बताया था उनका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है ये बस जस्ट नॉलेज के लिए को बताता चल रहा हूं मैं साथ साथ में और कुछ नहीं है देखो क्या है प्रोपेन वन अमाइन प्रोपेन वन अमीन वन टू और थ्री तो ये क्या हो गया प्रोपेन तीन होता है तो प्रोपेन वन पे क्या लगा हुआ अमीन I mean, और ये खाली है तो यहाँ पे क्या लगा होगा CH3, तो एन मिथाइल तीन पे क्या लगा हुआ है ये जो रिंग है ये रिंग क्या है नेपथलीन रिंग है ये रिंग क्या है नेपथलीन और ये वन से जुड़ा हुआ है ठीक है आइल और ये क्या है ऑक्सी ठीक है देन थ्री पे क्या लगा हुआ है दिस इसको कहते हैं थियोफिन और ये किससे जुड़ा हुआ है वन और टू से तो टू आइल तो थियोफिन थ्री पे क्या लगा हुआ है थ्री पर क्या लगा हुआ है थियोफिन टू आइल जुड़ा किससे हुआ है टू से बात समझ में आ रही है जिससे जुड़ा हुआ है उसका नाम फिर आइल देन प्रोपेन वन अमीन क्लियर हो गया ओके यूज की बात करें यूज ट्रीट डिप्रेशन एंजाइटी टू ट्रीट पेन फाइबर कैन बी यूज टू ट्रीट स्ट्रेस एज कैप्सूल कोई बात नहीं ओके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर सेम है सारी कंडीशन यहाँ पड़ने की जरूरत नहीं है फाउंडेशन की बात करें तो टैबलेट एंड कैप्सूल और ब्रांड्स की बात करें तो सिम्बेल्टा ड्यूजेला और ड्यूलॉक्सिन तीन ब्रांड ने बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में अगर चेक करोगे नेट पर जाओगे बहुत सारे हैं कोई भी दो या तीन याद कर लो सफिश है क्लियर है सल्ट्रालीन, अंडर नेम? है ना ये क्या है एंटी है। किस ग्रुप का है ये SSRI, सिलेक्टिव क्लास का है Effective for panic disorder, डर लगने वाला सोशल एंजाइटी समाज से भागने वाले जनरलाइज एंजाइटी कंपल्सिव डिसऑर्डर जो बताया था मैंने अभी ठीक है मैंने कहा ना तो स्टार्टिंग की चार पांच लाइनें होती हैं जनरल बातें होती हैं उसको लिख सकते हो फिर उसी में से बातें उठा के नीचे लिख दो अच्छी बात है थोड़ा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा केमिकल नेम हमारे कोर्स में नहीं है देख लेते हैं क्या बोल रहा है वन टू थ्री फोर टेट्राहाइड्रो इसके बाद में करेंगे हाइड्रोनैपथलिन देखो नैप्थलिन बताया ना इसमें ये रिंग होती है ओके और ये आ गया मेरे पास ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो देखो यहाँ पर क्या है वन टू थ्री फोर एक तो वन टू थ्री फोर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो सब हट के क्या लग गए हाइड्रोजन लग गए तो टेट्राहाइड्रो ये रिंग क्या थी नेपथलिन थी ये वाली रिंग क्या थी नेपथलिन थी नेपथलीन और वन पे क्या लगा हुआ है अमीन एन एच इस एन पे एक क्या लगा हुआ है सी एस थ्री तो यहाँ पे एन मिथाइल फोर पे क्या लगा हुआ है फोर पे देखते हैं यहां पर वन टू थ्री एंड फोर थ्री फोर डाइक्लोरो थ्री फोर डाइक्लोरो पूरा क्या है फिनाइल पूरा क्या है फिनाइल ये चौथे नंबर पर लगा हुआ है ना ये वाला ये क्या है इसका चौथा नंबर इस चौथे नंबर पे भी इसकी भी नेमिंग नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री एंड फोर तो थ्री फोर डाइक्लोरो एन पे मिथाइल है वन टू वन टू थ्री टेट्रा हाइड्रो नेप्थलिन वन अमीन क्लियर है बातें आगे आते हैं ओके okay. यूजर्स की बात करें तो सर्टल इन राइट डिप्रेशन है ओसीडी पैनिक अटैक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस कई बार क्या होता है ट्रॉमा कोई शॉक लग जाता है चोट लग जाती है तो उसके बाद कई बार क्या होता है स्ट्रेस आ जाता है टेंशन हो जाती है तो उसमें भी ये काम में आते हैं नई याद नई पसंद मत लिखना कुछ और लिख देना ठीक है लेकिन होता है ऐसा स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इट शुड बी स्टोर इन ये तो कॉमन है यार आपने पढ़ूंगा इसको मैं टैबलेट ओरल सोलूशन ये बता चुका ये ब्रांड नेम देख लो जोलॉफ्ट सर्टा और सैरवेल ठीक है ना नाम से बना दिया उसके सर्टा रिल के सरवेल सर्टा और जोलोफ्ट बट रियल में भी मौजूद है ये ब्रांड नेम ठीक है चेक कर सकते हो गूगल पे क्लियर है नेक्स्ट आते हैं सिटालो सिटालो सोल अंडर ब्रांड नेम सेलेक्सा इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट है ऑफ सिलेक्टिव सीरोटोन इन रियपटेक एस एस आर आई क्लास का है ये ठीक है इट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑबसेसिव कंसल्सिव डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशनिया इट इजन बाय माउथ माउथा लिया जाता है. Chemical में कोर्स में नहीं है बट देख लेते हैं तो यह है, है बैनजो फ्योन की ठीक है समझाने के लिए ये बैंजो फिर ये रिंग यहाँ लगी हुई है क्या ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को स्ट्रक्चर देखे जा रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है उम्मीद कर रहा हूं स्ट्रक्चर तुम लोगों को ये दिख रहा होगा और बढ़िया ठीक है तो ये क्या है बेंजो फिर यहां लगा हुआ लेकिन हुआ क्या है? देखो ये वाला ओ खिसक यहां आ गया है ठीक है ना तो उसी हिसाब से तो इसका नाम पड़ा हुआ है ठीक अब देखो नेमिंग करते हैं इसकी हम लोग क्या लगा हुआ है थ्री वन ये, ये गया मेरे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये देख रहे हो ये वाला ग्रुप दिस इज कार्बोनाइट्राइल पे क्या लगा हुआ है कार्बो नाइट्राइल ठीक है ना वन पे क्या लगा हुआ है एक दो और तीन थ्री डाइमिथाइल थ्री डाइमिथाइल अमीनो अमीन हो गया प्रोपाइल एक दो और तीन प्रोपाइल ठीक है ना फिर वन पे और क्या जुड़ा हुआ है वन टू थ्री एंड फोर फोर पे फ्लोरो और फिनाइल क्लियर हो गया सिंपल देन फोर फ्लोरो फिनाइल तीन पे यहां पर क्या था डबल बॉन्ड था क्या हटाया है डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ा तो थ्री पर एच और टू पर टू पे क्या हुआ है बेंजो फ्यूरोन फाइव कार्बोनाइट्रोल ये जो टू यानी कि जो मेरा ओ है अब ये किस पे आ गया टू पहले किस पे था ये वन पर अब किस पे ये टू पे आ गया ओ तो उसकी नेमिंग कर दी है क्लियर है फिर ध्यान रखना जो स्टार वाले हैं वही अपने कोर्स में यूजेस इट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन पैनिक अटैक स्टोरेज स्टेबिलिटी क्लियर है फॉर्मलेन टैबलेट और ब्रांड नेम सेलेक्सा सिंपल है नाम बना सकते हो ओके एसिटालोप्राम ठीक है इसका ब्रांड नेम क्या है सिप्रालेक्स एंड प्रो एंटी डिप्रेसेंट है कौन से ग्रुप का है एस एस आर आई का है ठीक है ना मेनली काम क्या है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को

देखो यहाँ पर कहा चला गया एक दो तीन कार्बोन थ्री एच एक मिनट कुछ गया। वन, टू, थ्री, थ्री थ्री एच अच्छा हाँ, अंतर तो ये रहा ना यहाँ पर कहाँ गया टू थ्री स्ट्रक्चर सेम कर दिया मैंने को लग रहा है मैंने है? टू थ्री फोर टू फोर अच्छा हाँ इसका ये अंतर है हम बताएं देखो यहाँ पर ना ये देखो बच्चों ये थोड़ा डिफरेंस है इसका भी डिफरेंस तुम लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा ये देखो यहाँ डॉटेड लाइन है और यहाँ कैसी लाइन है सॉलिड लाइन है यानी कि यहाँ पर ये वाला पार्ट मुझसे दूर है और ये वाला पार्ट मेरी तरफ है ठीक है ना इसका आर और एस कॉन्फिग्रेशन बोला जाता है क्या बोला जाता है आर और एस कॉन्फिग्रेशन ठीक है तो मेन डिफरेंस का क्या है कि ये स्पेस में कैसे अरेंज हो रखा है है ना मान लो सेम मॉलिक्यूल है कोई सीधा लगा हुआ किसी में कोई तिरछा लगा हुआ है तो यहां पर इसका मेन डिफरेंस सीखा आएगा तो यहां पर देखो ये डॉटेड लाइन है ये चला गया मुझसे दूर और यहाँ हिस्सा आ गया मेरे पास क्लियर है बातें तो ये इसका बाद की पूरा नीमिंग क्या रहेगी इसकी सेम रहने वाली है यूज की बात करें तो डिप्रेशन एंजाइटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक अटैक स्टोरेज स्टेबिलिटी सेम है फॉर्मुलेशन टैबलेट के रूप में है ये लेक्साप्रो और सिप्रा जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था इसी हेडिंग के अंदर देन है फ्लूवोस फ्लूवेक्स माइंड इसमें क्या क्या है सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम सच एज एंड फेवरिन लिवॉक्स एंड फेवरिन इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट है ठीक है के के क्लास अंदर आता है ये प्राइमरली यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बट इट इज ऑल्सो टू ट्रीट एंजाइटी ठीक है ये सब बातें जनरल लिख सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है देख लेते हैं फिर भी हम लोग एक बार ठीक है ना क्या देख रखा है ऑक्सी इथेन अमाइन ठीक है ना ये देखो ये ओ लगा हुआ है तो ओ से ऑक्सी और एक और दो इथेन अमाइन आ गया फिर बात करें अगर हम लोग यहाँ पर आगे आ, आ जाए अमीनो कहाँ चला गया हम्म पे क्या लगा हुआ है तो ये आ जाएगा मेरे पास टू पर ई लगा हुआ है तो ये आ जाएगा वन टू फाइव पे मिथॉक्सी तो फाइव फोर थ्री टू और वन ठीक है तो फाइव पर क्या लगा हुआ है ये एस थ्री फाइव पे क्या लगा हुआ उसमें बात करते हैं फाइव पे मिथॉक्सी लगा हुआ है वन पे क्या लगा हुआ है ठीक है वन पे क्या लगा हुआ है फोर ट्राइफ्लोरो ठीक है ना फोर पे क्या है वन टू थ्री और फोर फोर ब्रैकेट बंद है फोर ट्राई मिथाइल फिनाइल ठीक है ना और पेंटाइलीडीन ठीक है क्या आ जाएगा ये पेंटाइली एक दो तीन चार और पांच ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या लग गया ये पेंटाइलीडीन अमीनो ये क्या लगा हुआ है अमीनो ऑक्सीन अमाइन ठीक है ना अमीनो ऑक्सीन अमाइन ठीक है ना एक्चुअली यहां पर है क्या ये ये थोड़ा सा ओ वाला ग्रुप है ये पंगा कर रहा है थोड़ा सा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये केमिकल स्ट्रक्चर और नए हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अभी हमको नहीं है फिलहाल मोटा मोटा समझ लो इसको क्या है देन यूज की बात करें इट इज यूज टू ट्रीट ओसीडी सोशल एंजाइटी एंड डिसऑर्डर स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो सेम है जो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैसुल और टैबलेट के रूप में अवेलेबल है ब्रांड की बात करें तो लिवॉक्स एंड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, है? है? पैक्सिल और सैरोट इट इज एंटी ये भी एंटी डिप्रेसेंट है किस ग्रुप में आता है सीरोटोन रियप्टेक इनिवीटर के ग्रुप में पाया जाता है ये. मतलब उसके अंदर आता है डिप्रेशन ओसीडी तमाम चीजों को ये दूर करता है ठीक है ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेचुर एजुकेशन और तमाम चीज़ों में काम आ जाता है केमिकल इम स्ट्रक्चर अगेन क्या है अपने कोर्स में नहीं है इसको तो चेक कर सकते हैं हम लोग ठीक है ना यहाँ पर क्या है पिप्रीडीन ये आगे मेरे पास क्या पिप्रीडीन आ गया ये फोर पे फ्लोरो फोर पे फोर फ्लोरो फिनाइल फोर पे फोर फ्लोरो फिनाइल ये रहा फोर फ्लोरो फिनाइल ठीक है ना फाइव पे क्या लगा हुआ है ओके थ्री पे तो पिप्रीडीन है ना और थ्री वन uh, थ्री देखो यहां पर क्या है वन टू और थ्री क्लियर है तो वन वन थ्री बैंजो डाइक्सोल क्या है मेरे पास बैंजो डायऑक्सोल थ्री फोर एंड फाइव फाइव से जुड़ा हुआ है आईलो ऑक्सी मिथाइल ऑक्सी मिथाइल ये सी वाला ग्रुप है तो ऑक्सी मिथाइल और देन ये क्या आ गया फोर पे आ गया इसको हम ऐसे कर सकते हैं वन टू और थ्री इस थ्री पर इस वाले

ठीक है तो अब जब यहां तक अगर मेरे को सुन रहे उसका मतलब सुन लिया, भले एक बार में सुना हो या दो बार में सुना हो। करना क्या है? मैं पहले बता चुका हूं अभी नहीं लेना है, जिनके नहीं लगे है, उनके केमिकल नेम और स्ट्रक्चर पर फोकस, फोकस करना है उसके बाद में अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा क्लियर है ये सारी चीजें कैसे आएंगी रिवीजन रिवीजन क्या करना है रिवीजन करना है पढ़ना है और लिखना है पढ़ना है मतलब सिंपल सी बात है रिवीजन करना है जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना इच्छा, उतना अच्छा तुमको ये क्या हो जाएगा कवर अप हो जाएगा क्लियर है तो क्या काम करना है रिवाइज करना है प्रैक्टिस करनी है दैट्स इट ऑल द बेस्ट